एवरी वन वेलकम टू करण क्रांच आज का हमारा टॉपिक है अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी दोनों शॉर्ट टॉपिक्स हैं वो हम कम्पलीट करेंगे करंटली हम वेबर uh, जो है अपना थिंकर वो कवर कर रहे हैं कॉल मार्क्स और जो हमारा कम्पलीट हो गया है होपफुल एक दो लेक्चर्स में आपका मैक्स अभी कम्पलीट हो जाएगा उसके बाद हमारे जो थिंकर उनके काफी कम कम कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ने हैं एज पर यूर सिलेबस तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है डू गिव अ थम्स आप प्लीज सब्सक्राइब करें शेयर विद य और कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहें बताएं आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है एंड इफ यू वांट कि आपके लिए कोई और वीडियोस लेके आऊं रिलेटेड टू सोशियोलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट आल्सो अगर आपको बेसिक्स कवर करने हैं सोशोलॉजी के एंड यू वांट अ वीडियो कवरिंग क्लास इलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ सोशोलॉजी तो आप मेरे को बताएं मैं वो भी लेके आऊँगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अथॉरिटी आई होप जो हमने अभी तक पढ़ा वो आपको समझ में आ गया अगर नहीं आया यूल सी अ लिंक अब राइट कॉर्नर पे तो उसमें मैक्स uh, वेबर के जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है उसकी लिंक वहां पर आपको मिल जाएगी दैट यू कैन गो थ्रू द लिंक उससे आपका जो uh, इसका बेसिक है थिंकर का वो कवर हो जाएगा ठीक है करंटली हम अथॉरिटी कर रहे हैं ये बेसिकली आपका एक्सटेंशन है जो हमने ऑलरेडी आइडियल टाइप्स किया है उसका अथॉरिटी में इन्होंने आइडियल टाइप्स uh, की जो अथॉरिटी के कुछ टाइप्स दिए हैं आइडियल टाइप क्या होते हैं वो इन्होंने अपने इसमें डिस्कस किए हैं ठीक है तो अथॉरिटी को इन्होंने क्या बोला देखो एक आपका पावर होता है और एक आपकी अथॉरिटी होती है पावर के पावर में उन्होंने कहा था एलिमेंट ऑफ कोर्शन है ठीक है मतलब फोर्सफुल होता है पावर इसमें एक एलिमेंट ऑफ कोर्शन होता है और अथॉरिटी पावर फिर अथॉरिटी का बन जा बन जाती है अगर वो पावर लेजिटिमेट होगा तो आप उसको अथॉरिटी बोल सकते हो देखो पावर आपके गैंगस्टर्स के पास भी होता है क्रिमिनल्स के पास भी होता है वो काफ़ी पावरफुल होते हैं लेकिन क्या हम उस पावर को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में नहीं क्योंकि वो लेजिटिमेट नहीं है वो लीगल पावर उनके पास नहीं होता है तो पावर जब आपके पास लेजिटिमेट हो जाता है उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं ठीक है ये इनका बेसिक था और पावर होता क्या है बेसिकली किसके पास पावर होता है जो इन शॉर्ट अपनी बात मनवा सके अपना काम करवा सके चाहे वो सोसाइटी के मेंबर्स मेंबर्स के या उसकी कम्युनिटी के मेंबर्स के विल के अगेंस्ट जा रहा हो ये इनकी डेफिनेशन है पावर की चांस ऑफ मैन और ए नंबर ऑफ मैन टू रियलाइज देयर विल इन ए कम्यूनल एक्शन इवन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ दोज हुआ पार्टिसिपेटिंग इन द कम्यूनल एक्शन इन शॉर्ट जो अपने अपना काम करवा सके अपनी बात मनवा सके चाहे उनका थाट प्रोसेस जो है इट गोज अगेंस्ट द अदर मेंबर्स हुआ आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट कम्यूनल एक्शन ठीक है तो अथॉरिटी वेबर ने कहा इट इज अ फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट पावर जैसे मैंने कहा पावर डेकोइट्स के पास भी होता है गैंगस्टर्स के पास भी होता है लेकिन बिकम्स लेजिटिमेट तो जैसे आपकी गवर्नमेंट के पास पावर है और उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी होती है आपकी गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है दैट मीनस दे हैव दी लेजिटिमेट पावर फाइन सोसाइटी वेबर ने कहा ही आइडेंटिफाइज थ्री सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेसी ट्रेडिशनल रैशनल एंड अफेक्टिव ठीक है उसके बेसिस पे उसने डेवलप किए थे थ्री और थ्री प्योर टाइप्स और आइडियल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आइडियल टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया है इन डिटेल वो क्या होता है यहाँ मैं दोबारा डिस्कस नहीं करने जाऊँगी बेसिकली आपका एक फ्रेमवर्क होता है ठीक है वो फ्रेमवर्क आप डिस्क्राइब uh, करते हो और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपना कोई भी अगर आप uh, एक सोशल प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हो वो उस आइडियल टाइप से आप कंपेयर करते हो ठीक है और इससे क्या हो जाता है आपको एक रेडीमेड फॉमूला मिलता है आपकी रिसर्च जो है वो थोड़ी इजी हो जाती है क्योंकि अब आपके पास एक फॉर्मेट है आपके पास एक आपने आ, एक फॉर्मुलेट किया है कोई प्रिंसिपल्स बनाए हैं आपको पता है किसी चीज़ का आइडियल टाइप ये है तो फिर आपके लिए वो स्टडी करना कोई भी प्रोसेस उन आइडियल टाइप्स को लेके ईजी हो जाता है इन डिटेल वीडियो आपको इसकी प्ले में मिल जाएगा वेबर ने कहा था थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ अथॉरिटी और थ्री <laughs> आइडियल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी वो जो थे दे वर बेस्ड ऑन हिज वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन अगेन हमने सोशल एक्शन भी पढ़ लिया है वेबर का तो अब रिकॉल करें क्या क्या था ट्रेडिशनल था इफेक्टिव था रैशनल था एंड वर्ड रैशनल था वर्ड रैशनल आपका वैल्यू बेस्ड था ऑन एंड रैशनल आपका किस पे बेस्ड था रैशनल लीगल अथॉरिटी पे ठीक है तो उसी के बेसिस पे उसी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी दिए ट्रेडिशनल अथॉरिटी करिज्मिक अथॉरिटी एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी ठीक है देखो ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होता है हमारे पास कोई सोसाइटी uh, में ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रेडिशनली पावर मिला होता है चाहे वो एल्डर्स हो रूल बाय एल्डर्स ठीक है या चाहे वो कोई लीडर्स हो जो इनहेरिट करते हैं पोजिशन एक हायरकी में चलते हैं फाइन ये जो ट्रेडिशनल पावर होता है ये स्टेम कहाँ से होता है ये आपकी सोसाइटी के जो बिलीफ कस्टम्स और वैल्यूज होते हैं वहां से उनको ये पावर मिला होता है और वो आगे फर्दर बाद में चलता जाता है जैसे कोई किंग होता है बाद में उसका बेटा आता है कोई फलानी वन आता है फिर फलानी टू आता है ठीक है तो ऐसे करके पावर जो है वो चलता जाता है एक हेरिडिटी फॉलो हेरिडिटरी अप्रोच जो है इस ट्रेडिशनल पावर की वो वैसे करके फ्लो होता है सोसाइटी में जैसे आपके नेहरूज थे ठीक है जैसे जवाहरलाल नेहरू थे उसके बाद मोतीलाल नेहरू फिर जवाहरलाल नेहरू उसके बाद आपकी इंदिरा गांधी और एक गांधी परिवार के पास एक पावर था तो ये पावर कहाँ से वो डराइव करते थे वो उनके ट्रेडिशन से डेराइव करते थे ठीक है ट्रेडिशनल पावर था उनके पास तो उस टाइप की अथॉरिटी जिनको ट्रेडिशन से ही मिली हो जिनके पास ट्रेडिशनल पावर हो और वो लेजिटिमेट हो उसको हम क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी इट इज दैट टाइप ऑफ अथॉरिटी विच स्टेम्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोशल एक्शन दैट इज अथॉरिटी बेस्ड अपॉन बिलीव कस्टम्स एंड वैल्यूज एक एग्जाम्पल होगी वुड बी अ लीडर हु कम्स टू पावर बिकॉज हिज और हर फैमिली और क्लान हैज़ ऑलवेज़ प्रोवाइडेड द ग्रुप्स लीडरशिप एग्जाम्पल नेहरू ठीक है अगर हम इंडियन एग्जाम्पल लेके लीडर्स की मैं आपको बताऊंगी आपको ये सारा जो पावर का ये अथॉरिटी के आइडियल टाइप से आराम से क्लियर हो जाएंगे जैसे अथॉरिटी किसी हेरिडेटरी मनार्क की आपके किंग की फ्यूडल लॉर्ड की आपको हाई कास्ट सोकॉल्ड हाई कास्ट ब्राह्म वगैरह डेवलपिंग कंट्री इंडिया में पोलिटिकल लीडरशिप भी जो है जिसको हम यहाँ पे अनऑफिशियली डायनेस्टिक रूल बोलते हैं गांधीज का कांग्रेस का तो बेसिकली वो अथॉरिटी कहाँ से आती है वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है फाइन वेबर ने इसको को ऑल्सो यूज हिज आइडियल टाइप मेथोडोलॉजी टू एनालाइज हिस्टोरिकली द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी उन्हें डिफ्रेंशिएट किया था गिरटोक्रेसी विच इन्वॉल्व रूल बाय एल्डर्स और पेट्रीर्कलिज्म लीडर्स हु इनहेरिट डे पोजिशन ठीक है एक तो रूल बाय एल्डर्स था या तो एल्डर्स से आपको अथॉरिटी मिल रही है या तो आपको लीडर्स से अथॉरिटी मिल रही है जिनकी पोजीशन आप इनहेरिट करते हो फाइन तो वेबर ने कहा जो स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी थे इन मेनी फॉर्म ये बैरियर थे टू द डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी क्योंकि वेबर का मेन फोकस इन्होंने स्टार्टिंग से काफ़ी रैशनल रैशनैलिटी की और ब्यूरोसी ऐसी बातें की हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी की बातें की हैं तो अगर आपको ट्रेडिशनली पावर आप एक से दूसरे को दे रहे हो एक से दूसरे से तीसरे को दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये रैशनैलिटी की डेवलपमेंट नहीं होने देता है क्योंकि

चीज अपने कंट्री के लिए जर्मनी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे थी, ठीक है तो वो जो पावर होता है जो वहां से आता है उसको हम बोलते हैं करिज्मेटिक अथॉरिटी एंड दिस टू योर इफेक्टिव सोशल एक्शन ठीक है फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटी एक्सरसाइज बाय महात्मा गांधी और मासेस तो ये करिज्मा आप बोल सकते हो ये करिस्मेटिक अथॉरिटी ये इंसान की अपनी क्वालिटीज की वजह से है पर्सनल क्वालिटी जो वो पोजेस करता है उसका करिज्मा ऐसा होता है कि जब वो बात खड़े होकर बात बोलता है तो लोग उसकी बात सुनते हैं फाइन, पावर जो है बहुत हद तक डिपेंड करता है ऑन द ग्रुप ऑफ डिसिपल्स एंड द वे दे डिफाइन दिसाइपल्स एंड द वे दे डिफाइन द करिज्मेटिक लीडर अगर आपके डिसाइपल्स ही नहीं है तो लीडर नहीं बन सकता है तो काफी हद तक बोल सकते हैं कि ये पावर जो है ये डिपेंड करता है ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स पे और द वे देफाइन देर वो अपने लीडर को क्या समझते हैं ठीक है अगर जो फॉलोअर्स है फेल टू लीडर अज ए करजमा लीडर ही विल ही सीजेस टू रिमेन वन ये लाइन बेस्ट आप समझ सकते हैं जैसे राहुल गांधी को लेके कितने मीम्स बनते हैं ना क्योंकि लोग उनको रिकोगनाइज नहीं कर पा रहे हैं एज अ करिज्मिक लीडर इस वजह से अगर वो कोई अच्छी बात भी बोलते हैं कहीं ना कहीं से एक मीम एंगल जो है उनकी बात में से निकल जाता है क्योंकि लोग नहीं उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं यही होता है कि आप वो डिपेंड करता है करिज्म डिपेंड करता है उनके ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स पे कि लोग आपको उस नजरिए से देखने भी चाहिए ये रेवोल्यूशनरी फोर्स भी है क्योंकि रेवोल्यूशन लेके आए हैं महात्मा गांधी की एग्जाम्पल अगेन

वो क्राइसिस खत्म हो गया तो ये फेड आउट हो जाता है करिस्मेटिक अथॉरिटी जो करिस्मेटिक सिस्टम आप इसको बोल सकते हो दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज ऑल्सो नॉट एज इफेक्टिव एज लीगल रैशनल अथॉरिटी एज ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डन ऑन रैशनल क्राइटेरियन एंड मेंबर्स आर नॉट नॉट टेक्निकली ट्रेन मोस्टली क्या होते हैं इमोशनली चार्ज होते हैं आपके जो करिस्मेटिक लीडर्स होते हैं उनकी अपनी पर्सनल क्वालिटी करिज्मा की वजह से वो लीडर बनते हैं ठीक है थीके? तो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं होता है सारा जैसा आपका रैशनल लीगल अथॉरिटी में हो एक गवर्नमेंट बनती है फिर डेमोक्रेटिकली आप उसको चूज करते हो फिर उसका जो आ, लीडर होता है आपके हाइस्ट जिनको वोटिंग वोट्स मिले होते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को उसका लीडर बाद में आपका प्रा, प्राइम मिनिस्टर बनता है ठीक है तो एक सिस्टमेटिकली पैटर्न फॉलो होता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक आदमी एक इंसान आता है आदमी या फीमेल मेल कोई भी तो उनका एक करिश्मा की वजह से वो काफी फेमस हो जाते हैं तो जल्दी फ्रिजल आउट भी हो जाता है क्योंकि वो कोई पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं कोई एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में सारा नहीं होता है क्योंकि इसमें जो करजमाटिक अथॉरिटी है इसमें कोई फॉर्मल रूल्स नहीं होते हैं नो एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन एंड नो प्रेसिडेंट्स टू गाइड न्यू जजमेंट ठीक है no क्योंकि फॉर्मली ऐसा कुछ भी रिटर्न ऑफिशियल uh, नहीं होता है ये मतलब फॉर्मल कोई रूल्स रेगुलेशन इसमें नहीं बने होते तो नई जजमेंट्स वगैरह नया कंटिन्यू करने के लिए उसमें क्या डायनामिक्स वगैरह लाने हैं वो चीजें नहीं होती इस वजह से इनहेरेंटली वीक होता है काफी टाइम तक ये इतनी ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करता है जितना आपका लीगल रैशनल अथॉरिटी करती है अब लीगल रैशनल अथॉरिटी जो है वेक रैशनल सोशल एक्शन पे बेस्ड है ये सिंपल इसकी एग्जाम्पल आपकी ब्यूरोक्रेसी हो गई ठीक है टोटली रैशनल एक्शन लीगल रैशनल अथॉरिटी जो होती है कैंटे के वराइटी ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स बट द फॉर्म दैट मोस्ट इंटरेस्टेड वेबर वॉस ब्यूरोक्रेसी उन्होंने आगे आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी का भी दिया है जिन्होंने जिनको उन्होंने कहा था प्यर्स टाइप ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लीगल अथॉरिटी क्या है आपकी ब्यूरोक्रेसी ये बेस्ट डिफाइन कर दी है आप कैसे एक्सरसाइज करते हो अपनी लीगल अथॉरिटी को आपकी ब्यूरोक्रेसी ठीक है वेबर पेड मोस्ट ऑफ इज अटेंशन टू दिस फॉर्म ऑफ अथॉरिटी वो जब सबसे ज़्यादा इसी की चीज़ के साथ uh, थे एसोसिएटेड और कंसर्न भी थे क्योंकि उनको लगता था ब्यूरोक्रेसी जो है इट लीड्स टू द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑल दो इन्होंने इसका थोड़ा ब्यूरोक्रेसी का क्रिटिसिज्म भी बाद में दिया था कि आपकी इफेक्टिविटी क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है एंड मैन इज रिड्यूस्ड टू मेरली कॉग इन द मशीन और आयन की जो फ्रेशनिटी का भी ने दिया था वो हम सारा इसमें देखेंगे Fine. अब आगे देखते हैं उन्हें क्या लिखा है नितिन सर ने अथॉरिटी जो है इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ अव आइडियल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जवाहरलाल नेहरू की ही हैड अ लीडर टू बिकम लीडर ठीक है तो उनके पास वो करिमा था एंड देन उसके बाद क्या हुआ ट्रेडिशनल अथॉरिटी बन गई जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी आ गई संजीव गांधी राजीव गांधी संजू गांधी राजीव गांधी ठीक है ये सारी चीजें हम जो है सुनते हैं एक करिश्मा से कहाँ हो गया हम किसकी तरफ जा रहे हैं अब एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी आ गई और लीगल रैशनल अथॉरिटी भी साथ साथ चल गई क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट बनाई ठीक है तो उनका लीगल रैशनल रूल हो गया लीगल रैशनल अथॉरिटी उनके पास आ गई इसीलिए जो आइडियल अथॉरिटी है उनकी वो क्या बोल सकते हैं उनकी अथॉरिटी को क्या बोल सकते हैं इट वॉज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द आइडियल टाइप्स ऑफ ऑल द थ्री अथॉरिटीज ठीक है यही चीज इसने यहाँ पे लिखी हुई है उसमें इन्हें कुछ एग्जांपल्स भी दी है नेहरू की भी एग्जाम्पल इन्हें दी है फाइन इसी के बारे में इन्हें लिखा हुआ है इसमें कुछ खास नहीं गो थ्रू दिस और इन द रियल वर्ल्ड दस कांस्टेंट टेंशन एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग द थ्री बेसिस क्योंकि जो क्रिजमेटिक होता है वो ऑफनली उसकी जो क्वालिटीज ऐसी होती हैं वो काफ़ी uh, मतलब लोगों के वो इमोशनल uh, उसको टच करता है फाइन तो वो एक थ्रेड भी हो सकता है टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी अगर आपकी गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही है या आपकी ब्यूरोक्रेसी ठीक से नहीं चल रही है कोई ऐसा लीडर आके खड़ा हो जाता है जो आपको इमोशनली चार्ज करता है अपने बात अपनी बातों से अपनी पर्सनल क्वालिटीज से तो आप बोल सकते हो ना ही एक्चुअली पोज द थ्रेट टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी फॉर एग्जाम्पल योर नेशनल लीगल अथॉरिटी योर गवर्नमेंट या वो ट्रेडिशनल लीगल ट्रेडिशनल अथॉरिटी के खिलाफ भी बोल सकता है कि जो डायनास्टिक रूल वगैरह ऐसे टाइप की चीज़ें है इनको खत्म करो तो इसको देखा जाता है करिस्मेटिक लीडर को थ्रेट भी हो सकता है टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी अब उनकी अच्छा फर्दर पर्टिकुलर टाइप ऑफ अथॉरिटी में चेंज और टाइम एंड ट्रांसफॉर्म इन टू अदर शेप इसको हम बोलते हैं रूटीनाइजेशन ऑफ यहाँ पे लिखा charisma, हुआ रूटीनाइजेशन ऑफ करिमा एंड ट्रेडिशनल ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ रैशनैलिटी आर द एग्जांपल ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशन रूटीनाइजेशन ऑफ करजा हुआ अथॉरिटी अगर किसी के पास होगी अगेन जवाहरलाल नेहरू की बाद में वो क्या बन गए उनके पास रूल आ गया तो वो रैशनल लीगल अथॉरिटी में ट्रांसफॉर्म हो गए करिज्मेटिक अथॉरिटी ठीक है एंड ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी किसी के पास ट्रेडिशनल पावर है जैसे अगर पहले मोतीलाल नेहरू के पास था बाद में जवाहरलाल

अथॉरिटी ऑफ थेट क्रिटिसाइज किन ग्राउंड पे जो वेबर का कंसेप्शन अथॉरिटी प्राइमरली क्रिटिसाइज फॉर एनॉमिली इन आइडियल टाइप्स क्योंकि हमें फोर टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन मिले थे लेकिन उन्होंने सिर्फ थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी दी माइकल फूको ने कहा कि अथॉरिटी एंड पावर जो है दे डोंथ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एंड पर्सन एज वेबर सजेस्टेड उन्हें पावर हाई ली डिस्पर्सन सोसाइटी और ऑपरेट करता है सारे डिफरेंट लेवल सिचुएशन पे माइकल फूको ने बेसिकली हमें कहा था पावर और नॉलेज के रिलेशन इन्होंने बताई थी ठीक है और उन्होंने कहा वेबर ने ऐसा हमें कुछ नहीं बताया रॉबर्ट दहल ने क्या कहा था अथॉरिटी जो है वो सिचुएशनल होती है इन वन में होल डिफरेंट काइंड ऑफ अथॉरिटी जैसे आपके सुपीरियर्स uh, होते हैं कहीं पे आप हाई पोजीशन पे होते हो कहीं पे आप लो पोजीशन पे होते हो कहीं पे आप कंट्रोलिंग पोजिशन पे होते हो और कहीं पे आपको कोई और कंट्रोल कर रहा होता है तो पावर जो है अथॉरिटी जो है एक्चुअली इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट ठीक है ये हो गया इनका अथॉरिटी का आई होप इट्स ऑल क्लियर नहीं आया समझ तो यू कैन गो थ्रू द वीडियो अगेन ब्यूरोक्रेसी अगेन काफी छोटा टॉपिक है हम ये फिनिश करेंगे जल्दी से इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है लास्ट टॉपिक ऑफ मैक्स वेबर फाइन तो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है वी ऑल नो दिस इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन नेगल टाइप ऑफ अथॉरिटी इनके पास होगी स्ट्रक्चर बेस होता है लीगल रैशनल अथॉरिटी पे आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इसको इन्हें ब्यूरोक्रेसी लाइक मेनी अदर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो लिंक टू दिडियल टाइप कॉन्सेप्ट ठीक है और वेबर एसोसिएटेड इट विद राइजिंग रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी राइजिंग रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी को उन्होंने लिंक किया किससे ब्यूरोक्रेसी से क्योंकि ये एक आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी नजर में फाइन तो डेफिनेशन अगर आप देखना चाहो हायरिकल ऑर्गेनाइजेशन एक हाइर फॉलो करते हैं सब होते हैं सुपीरियर्स होते हैं ठीक है सुपरऑर्डिनेट्स होते हैं रैशनली डिजाइन होते हैं वर्क जो है कॉर्डिनेट होता है मेनी इंडिविजुअल्स का लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क टास्क परफॉर्म करते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं दैट मीनस वो कोई मैनर में काम नहीं कर रहे हैं वो कोई गोल कोई टारगेट अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं फाइन फिर ये इन्होंने कुछ इसके बारे में कहा है आप चाहो तो यू कैन रीड थ्रू दीज लाइन वेबर ने डिस्टिंग्विश किया था आइडियल टिपिकल ऑफ ब्यूरोक्रेसी और आइडियल टिपिकल ऑफ वो पर्सन होता है जो आप बनने वाले हो आई एस ऑफिसर और ब्यूरोक्रेसी वो पोजिशन होती है जो वो आई एस ऑफिसर होल्ड करता है जो वो ब्यूरोक्रेट होल्ड करता है ठीक है वेबर स्पेसिफाइड सर्टन टिपिकल एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद ब्यूरोक्रेसी कुछ आइडियल टाइप्स आप बोल सकते हो ब्यूरोक्रेसी के कि ये बेस होती है लीगल रैशनल रूल्स पे आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो of एक्टिविटी है की, वो ही, again, करेंगे, कोई पहले ये होगा सुपीरियर होगा बाद में सब ऑर्डिनेट्स होंगे फिर इनके आगे सब होंगे ऐसे एक हायर आरकी चलेगी वर्क स्पेशलाइज होगा एंड जो स्टाफ है वो ट्रेन होता है ठीक किसी को भी आप रिक्रूट नहीं कर सकते हो ब्यूरोक्रेट्स परमानेंट होते हैं एंड पेड और पेड कैसे होते हैं एंड दे मेंव टू वर्क ओवर टाइम डिपेंडिंग ऑन विच ऑर्गेजेशन देर वर्किंग फॉर ऑफिस वर्क जो है वो उनके लिए काम होता है फॉर ब्यूरोड टू डू दे वर्क ऑनस्टलीज नॉट अलाउड टू अप्रोपरेट द पोजिशन पोजिशन ऑलवेज रिमेन्स अ पार्ट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन पोजिशन ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है अगर अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं अभी आप आई पी एस हैं कभी आप रिटायर हो जाएंगे ये पोजिशन कोई और ले जाएगा या आप ट्रांसफर हो गए पोजिशन कोई और ले जाएगा ठीक है आप वो पोस्ट अपने साथ साथ नहीं चला सकते हो हर जगह तो वो जो पोजीशन है वो बिलोंग ऑर्गेनाइजेशन को ही करती है एंड यू कैन नॉट एप्रोप्रेट दैट पोजीशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट रूल्स होते हैं दे आर फॉर्मुलेटेड एंड रिकॉर्डेड इन द राइटिंग ऐसा नहीं है आज एक रूल है कल एक रूल है वो सारे रिटर्न फॉर्मेट में होते हैं रिकॉर्ड किए गए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग फिर आपकी जो काम है आपका जो वर्किंग है वो होती है दिस आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज ओनली अप्रोक्सीमेटेड इन रियलिटी लेकिन वेबर कहता है कि ब्यूरोक्रेसीज ऑफ ब्यूरोक्रेसीज ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज आर स्लोली मूविंग प्योर टाइप और आइडियल टाइप ठीक है तो उन्हें आइडियल टाइप बनाया उन्हें ऑलरेड आइडियल टाइप बनाया है इसका लेकिन अब सोसाइटीज मॉडर्न सोसाइटीज में इस तरफ काफी ब्यूरोक्रेसी आपकी आ रही है इन आइडियल टाइप्स की तरफ तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट आयन की जो रैशनैलिटी भी दिया था जहाँ पे उन्होंने थोड़ा नेगेटिव बताया था ब्यूरोक्रेसी का कहा जब ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हो जाएगी तो सोर्स ऑफ एलिनेशन भी हो सकती है ह्यूमन बीइंग के लिए और इतने ज्यादा अगर आपको रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़े आपकी अपनी क्रिएटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी एंड मेन आर रेड्यूज टू मेयर कॉग्स इन मशीन मशीन व्हील ऐसी होती है इसमें कॉग्स लगे होते हैं ऑल्दो काफ़ी नंबर के होते हैं इसमें काफ़ी ज्यादा कॉग्स होते हैं ऐसे ऐसे अगर व्हील्स हैं इनमें यहाँ पे कॉग्स लगे होते हैं ठीक है ऑल ये काफी ये होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन उनको अपना आप इंपॉर्टेंट नहीं लगता है उनका काम उनको इनसिग्निफिकेंट लगना शुरू हो जाता है अगर आप एज अ होल देखो उनका काम काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर वो खुद इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो रही है कि उनको लगता है अपना बेकार इन शॉर्ट कि हम इन मशीन है हम काम कर रहे हैं ओवरऑल इफिशियंट हैं हम अगर जनरल पिक्चर देखेंगे लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हमें लगता है कि हमारा काम कुछ भी नहीं है ठीक है इस वजह से आपकी एलिनेशन भी बढ़ जाती है एलिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने दुर्खे में काफी डिटेल इसमें मार्क्स में काफी डिटेल में पढ़ा है तो इस इनको क्या लगने लगता है अपना आप इनसिग्निफिकेंट लगता है उस लार्जर पिक्चर को अगर ये देखेंगे उसमें फिट होने के लिए ठीक है तो मेयर कॉग इन मशीन इसलिए इनको बोला जाता है हिज मेजर फेयर दैट दैट डोमिनेट्स ऑल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक लाइफ वॉज ए थ्रेड टू इंडिविजुअल लिबर्टी एंड क्रिएटिविटी उन्हें का ब्यूरोक्रेसी स्केप प्रूफ है दैट मीनस आप एक बार इसमें घुस गए देर इज नो वे आउट ये एक वन वे ये है ठीक है इसमें आपको एग्जेट नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली अनचैटरेबल है इस इंस्टीट्यूशन को आप खत्म नहीं कर सकते हो वंस दे आर स्टैब्लिश अनलाइक मार्क्स मार्क्स ने क्या कहा था फ्यूचर में क्या आएगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट आएगी कुछ टाइम के लिए जब तक हम एडवांस कम्यूनिज्म में फाइनली फान, पहुंचेंगे लेकिन इन्होंने कहा प्रोलेटेरियस की डिक्टेटरशिप नहीं आएगी डिक्टेटरशिप आएगी ऑफिशियल्स की फाइन अब इसके भी क्रिटिसिज्म है रॉबर्ट मिशल ने कहा था ब्यूरोक्रेसी बिकम सो डोमिनेटिंग इन डेमोक्रेसी दैट इट रेड्यूज अ डेमोक्रेसी इन टू एन ऑलिगार की ओलीगैर की डेमोक्रेसी में क्या होता है रूल ऑफ एक्चुअली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल जिसमें रिप्रेजेंट करते हो आप लोगों को ठीक है लेकिन ऑलग की होता है जिसमें पावर कुछ के पास होता है सिर्फ रूल बाई फ्यू ठीक है तो उन्होंने क्या कहा रॉबर्ट मिशेल ने डेमोक्रेसी एक्चुअली किसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है Olig Olig

ऑर्गेनाइजेशन जो है दे नीड फ्लेक्सिबल बिहेवियर टू डील विद अनसर्टन इवेंट्स एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स के नॉट प्रोवाइड सच फ्लेक्सिबिलिटी फाइन तो ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल बिहेवियर चाहिए होता है अगर कोई अनसर्टन इवेंट्स आ गया इवेंट हो गए उसका अप करने के लिए लेकिन ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते आपको एक रूल फॉलो करना होता है तो ये ब्यूरोसी के बारे में था इन्होंने क्रिटिसिज्म uh, भी ब्यूरोक्रेसी का खुद ही काफ़ी पॉइंट्स बोले थे जैसे आयरन की जो फ्रेशनैलिटी वगैरह ठीक है तो ये आपका खत्म हो गया नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटेस्ट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म करेंगे टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक हैव अ ग्रेट डे और जरूर सपोर्ट करें नई चैनल है ठीक है अगर आप हेल्प करेंगे तो ही मैं नए नए वीडियोस लेके आ सकती हूँ और ये हेल्प करने में आप कोई पैसे नहीं जाएंगे जस्ट हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे